दिल के वीराने फसाने में तू ही तो हरदम ओके तो इस टाइप की क्लिप लिरिक्स वीडियो आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ये स्टेप में समझाऊंगा गाइस एडिट करना ओके। तो वीडियो करते स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कैपकट में आना, ठीक है। कैपकट में आने से पहले वीपीएन से कनेक्ट करा लेना है, किसी न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे, और गाइस हमें गैलरी से इस क्लिप को ऐड कर लेना एचडी वाले ऑप्शन पर टिक करके, ठीक है। तो इस टाइप की क्लिप्स आपको कहाँ मिलेगी, फुल वीडियो में मिल जाएगी, तो कैसे क्रॉप करना है वो भी बताऊँगा, टेंशन ना लो। तो वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, ठीक है। तो YouTube पे से डाउनलोड कर लेना एंड क्लिप को ऐड करने के बाद से जैसे फुल वीडियो रहेगी तो आपको यही साइज़ देना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड रीसाइज पे, और यहाँ पे गाइस जो भी हमें रेशियो देनी इस टाइप से कुछ क्रॉप कर लेना ओके, ऊपर नीचे दोनों साइड से ओके करना है। जस्ट हो गया, अब इस टाइप से आ जाएगा कुछ। अब हमें क्या करना है गाइस, इजीली इस पे म्यूज़िक रहेगी तो इसे म्यूट कर देना है। अपनी म्यूज़िक ऐड करने के लिए ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन एक्सट्रैक्टेड वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, और जिस रील की म्यूजिक चाहिए रहेगी उस रील को यहाँ पे ऐड कर ले एंड एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसकी म्यूज़िक आ जाएगी, ठीक है। अब इस टाइप से म्यूज़िक आ गए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे म्यूट करे होगे, ठीक है। म्यूट क्लिप ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो ये करना, बिकॉज इसकी म्यूज़िक ओरिजिनल क्लिप की म्यूज़िक रह जाएगी। तो इस टाइप से कर लेना, एंड पॉइंट पर वाटर मार्क रहता है तो इस पर टैप करके डिलीट। अभी तो हो गया म्यूज़िक पे बीट करना हमें, तो बीट वाला ऑप्शन पर टैप करना एंड हमें बीट मैं एंड से करूँगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ चेंज हो रही थी इस टाइप से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करूँगा। ओके गाइस मैंने कट कर लिया, सॉरी बीट कर लिया है। अब बीट के अकॉर्डिंग गाइस क्लिप्स को कट करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बीट है वाइट वाली लाइन को ले जाना एंड स्प्लिट कर देना लेयर पे टैप करके ओके। तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, इससे कटती है, ठीक है पार्ट। तो इतना तो पता ही होगा यार। अब हमें इस टाइप से काट लेना एंड ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे गाइस ब्लैक फेड अप्लाई कर लेना, ठीक है। इसके स्पीड को लाइक वन सेकेंड कर लेना एंड अप्लाई टू ऑल यहाँ से, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करके ओके कर देना। तो इस टाइप से कुछ ब्लैक फेड अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, देख सकते हैं इस टाइप से फेड होगा, ठीक है। अब एनिमेशन ऐड करना, तो पार्ट पर टैप करना एनिमेशन पर क्लिक करना, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे मैं ये रॉकेट वर्टिकली, ठीक है, ये अप्लाई करूँगा एंड इसके स्पीड को मैं कम कर दूँगा, ठीक है, 0.3 सेकेंड के अकॉर्डिंग ओके। इस टाइप से कर लेना, सेकेंड भी क्लिप पर टैप करना एनिमेशन पर आना है, और यहाँ पे गाइस रॉकेट वर्टिकली पे टैप करके इसके स्पीड को कम कर देना। इसी टाइप से सब में कर लेना है एनिमेशन ऐड, तो मैं कर ले रहा हूँ गाइस। ओके गाइस ये हमारा हो चुका है, इस टाइप से कुछ देख सकते हैं एनिमेशन इस पे ऐड, ठीक है, इस टाइप से हो गया बहुत ही स्टेप में। अब इसीलिए हमें इस पे लिरिक्स ऐड करना रहेगा ओके गाइस। तो इस टाइप से आप लोग कर लेना एंड यहाँ पे हमें अब लिरिक्स टाइप करना, ठीक है। तो लिरिक्स के लिए गाइस क्या करना है, बीट पर म्यूज़िक पर टैप करना। अब लिरिक्स के लिए हमें बीट लगानी ओके, तो बीट वाला ऑप्शन पर टैप करना एंड हमें बीट कर लेना है स्टार्टिंग में भी, जैसे मैंने एंड में करा था ओके गाइस आगे बीट है ही। तो आपको पूरे पे बीट कर लेनी है सिंपल से, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको एनिमेशन ऐड करना है वहाँ कट करके कर लेना। तो प्रोसेस समझ में आया क्या होगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी क्लिक करना ओके, ऐड टेक्स्ट करना है। अब जो भी लाइन है यहाँ पे टाइप कर लेनी है, ठीक है। तो दिल के फंसाने में ओके, दिल के फंसाने में ओके मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे आना है गाइस ये आइकन, हमें ये वाला आइकन ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ये पहले करूँगा एंड इमोजी में आना है गाइस, और कोई एक इमोजी लेना है तो मैं ये इमोजी ले लिया हूँ। फर्स्ट आपको फॉन्ट का ही मिल जाता है, तो यहाँ से काफ़ी सारे गाइस फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। ये भी गाइस बहुत अच्छा है, फायर गॉड जो भी है गाइस। तो जो मैंने उस पर यूज़ करा था ये था, ठीक है, कैश लोन ओके। अब यहाँ पे एनिमेशन पे आना है गाइस, और एनिमेशन पे इन में गाइस हमें लेना है यहाँ से कोई एक एनिमेशन, ठीक है। तो ये फ्लो कर ले लेता हूँ मैं। आउट में आना है गाइस, और यहाँ पे हमें ढूंढ लेना है एक फ्लाई आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लाई आउट पर क्लिक करना एंड इसकी स्पीड को इस टाइप से कुछ दोनों को मिला देना बीच से, ठीक है ओके हो गया। अब इसको फर्स्ट बीट का अकॉर्डिंग सेट जहाँ तक लाइन है, अब स्क्रीन पे इसको गाइस सेट, ठीक है। तो मैं इतना छोटा करके सेट कर लेता हूँ। इस पर ग्लो ऐड करना था, तो जो भी एडिटिंग करनी होगी इस पर डबल टैप करना, ठीक है।
तो डबल टैप करके स्टाइल पे आना है गाइस, यहाँ पे ग्लो मिल जाएगा, ग्लो पे टाइप करना है, सेकेंड ग्लो ये वाला अप्लाई करना है। एंड इसकी इंटेंसिटी हो लाइक 30% और रेंज को गाइस 80 to 85 कर लेना। ओके इतना हो गया। अब हमें इजीली शेडो पे आना है, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक कलर लेना एंड इसकी ओपेसिटी को लाइक 50%। बस गाइस हो गया, बहुत ही स्टेप में। अब जस्ट इसे डुप्लीकेट करना है एंड चेंज करना है, तो जितनी बीट है उतनी डुप्लीकेट करनी है। तो इसे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना एंड सेकेंड बीट के अकॉर्डिंग शेड आगे पीछे दोनों से, ठीक है। ओके इसी टाइप से एक और डुप्लीकेट गाइस, और बीट के अकॉर्डिंग शेड, इसकी अगली लेंथ को भी बीट के अकॉर्डिंग शेड, इस टाइप से डुप्लीकेट कर करके जितने बीट होते हैं हमें डुप्लीकेट करनी और सेट कर लेना। ओके ओके गाइस, तो ये हो गया है अब दिल के फसाने में, दिल के वीराने में था, ठीक है गाइस। तो इस पर डबल टैप करके दिल के वीराने, ओके वीराने में, ओके हो गया। इस टाइप से डुप्लीकेट कर करके जो भी लाइन है हमें यहाँ पे चेंज कर लेना, तो इस पर डबल टैप करना है और इसको हटा के अगली लाइन को यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो इसी टाइप से मैं सब में कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो इस टाइप से लिरिक्स जो है इस पर बहुत ही अमेजिंग ऐड हो चुकी, ठीक है। अब फर्स्ट मैं इसे सेव करूँगा, देन फिर से इसे इस क्लिप को ऐड करके इफेक्ट ऐड करूँगा इसमें, ठीक है, और फिल्टर भी। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, तो ये 720p वाला ऑप्शन पे टाइप करना है, रिजोल्यूशन को 1080p पे, फ्रेम रेट को 60fps पे और यहाँ पे रिकमेंडेड पे रखना है, ठीक है, इसको कोड रेट को। तो करके एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे पहले सेव करना है एंड इसके मैं सेकेंड प्रोसेस करूँगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को, फर्स्ट वाले वीडियो को, क्लिप को सेव होने दो। और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक तो कर ही देना यार, आप लोग बिना लाइक के भाग जाते हो, और नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करोगे। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें सेकेंड स्टेप करना है, तो न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले, और गैलरी से हमें अभी मैंने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था, ओके, उसे ऐड करना है। अब इस पर मैं इफेक्ट ऐड करूँगा, ओके। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट पर आना, ओके। और गाइस थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना, ओके। तो यहाँ पर इस टाइप से इफेक्ट लोड हो रही है, यहाँ पर नाइट क्लब में आना और थोड़ा सा वेट करना, ओके। अब यहाँ पे आपको फ्लैश, ब्लैक फ्लैश 2 मिलेगा, ठीक है, इसे अप्लाई करना है गाइस, ओके कर देना। अब इसकी लेंथ को पकड़ के दोनों तरफ से खींच के वीडियो को एडजस्ट, ओके। एंड पॉइंट पे वाटर मार्क रहेगा तो इसे डिलीट कर देना। तो इस टाइप से वॉइस म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस टाइप से कुछ इफेक्ट ऐड हो गए हमारी। अब एक और इफेक्ट ऐड करनी है, डिस्टॉर्शन, ओके। तो इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट पर आना है गाइस, और हमें यहाँ पर डिस्टॉर्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्टॉर्शन में आना। और यहाँ पे हमें जो अप्लाई करना है इफेक्ट, उसका नाम है रिपल, ओके, इसे अप्लाई करना है जस्ट, ओके। अब इसको खींच के पूरे वीडियो के एंड तक अप्लाई। अब इसको एडजस्ट करना है, तो लेयर पे टाइप करना है, एडजस्ट पे आना है गाइस, और देखना है हमें, ठीक है, कि कितना रखूँ मैं। तो शार्पन को गाइस लाइक मैं 10% के अराउंड में रखूँगा, ठीक है। ब्लर को गाइस 0 कर दूँगा एंड साइज को देख लेता हूँ, 10 के अराउंड में से रहेगा, ठीक है। स्पीड को गाइस चेक कर लेता हूँ, ओके। तो ये 14 रखना, ओके। इंटेंसिटी को 20, ओके। ट्विस्ट को गाइस देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सबको 35 कर लेता हूँ। बस गाइस हो गया। अब इस पर एक फिल्टर हमें ऐड करना होगा, तो फिल्टर ऐड कर लेना। तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, तो हमें चेक कर लेना है कोई अच्छा लग रहा है, कोई एक फ़िल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं गाइस चेक कर लेता हूँ कौन सा फिल्टर मैं लूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये फाइब्रेंट टू, ठीक है, जो भी है ये लूँगा। इसकी ओपेसिटी होगा इस लाइक मैं चेक कर लूँगा कितना से लगा, 88, ठीक है, 88 रख लिया हूँ। जस्ट गाइस हो गया फिल्टर ऐड, अब थोड़ा सा एस्थेटिक लुक आ गया वीडियो में। तो इस टाइप से बहुत ही अमेजिंग वीडियो मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो इस टाइप से एडिट कर लेना एंड सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे 720p वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे रिजोल्यूशन को 1080p पे करना, फ्रेम रेट को 60fps पे, ओके, और कोड रेट को रिकमेंडेड पे रखना, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे टैप करके गैलरी में एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस टाइप की वीडियोज़ के लिए।